तो ये मैं सारे हिंदुओं से अपील करता हूँ, वो हमारे धर्म में आए और बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी वो मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सारे हिंदू समाज से मेरा अनुरोध है कि सब त्यागी जी का साथ दें। मदरसे को लेके काफ़ी इसमें मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए, और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। एएमयू में दो हिंदू टीचर जो है अमृता में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष बना, लेकिन वहाँ बीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं, लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है? देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है? हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ के लिए क्या, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के? वो मस्जिद नहीं है, वो तो मंदिर है। और हिंदू समाज जागृत हो गया, जल्दी ही हिंदू समाज के पास वापस होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मक्केश्वर महादेव पे मेहनत करनी चाहिए, हमें सारी मेहनत मक्केश्वर महादेव के लिए करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, हमें इसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए। केवल ज्ञानव्यापी को लेकर क्या होगा, मक्केश्वर महादेव हमारे पास होने चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वो सारे स्थान हमारे वापस आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है, और इसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करा जाना चाहिए। आगे क्या प्लानिंग है सर आपकी? देखिए, आगे प्लानिंग जो माँ और महादेव चाहें, हम लोग तो लगे रहेंगे अपने धर्म के लिए। रास्ता बनाने का काम माँ और महादेव का है, हम लोग हर तरह से अपने धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और धर्म के लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर? वो अपराध नहीं है, लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे अपराध मत करिए, कहिए वो इस्लाम का जिहाद है। वो जिहादियों ने करा है जो पिछले 1400 साल से हमारी बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहाँ कोई अपराध नहीं हुआ, वहाँ जिहाद हुआ है। पहले जिहाद को समझिए, जिहाद को मिटाइए, तभी मानवता सुरक्षित होगी, वरना जिहाद तो सबको खत्म होना करेगा। ये हर हिंदू बेटी के साथ होगा एक दिन, आप ये मत सोचिए लखीमपुर में हो गया तो हो गया, ये हर हिंदू बेटी के साथ होगा।